हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा। आज हम कक्षा फोर्थ में हिंदी का एक लेसन है जब मैं पढ़ता था, जो महात्मा गांधी की आत्मकथा के बारे में बताया, उसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। कल हमने वो लेसन रीड किया था जिसमें गांधी जी ने अपनी बचपन की कुछ यादों को हमारे साथ साझा किया है। उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में बताया था कि हमें सभी को सत्य की राह पर चलना चाहिए, सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह बनना चाहिए, यह बात उनके मन में बैठ गई। और उन्होंने सैर को सबसे महत्वपूर्ण बताया, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सैर अच्छी बात है। और एक गलती भी उन्होंने की थी, क्योंकि उनका लेख कभी सुलेख नहीं बन पाया, उन्होंने अक्षर की तरफ ध्यान नहीं दिया था कभी। उनकी जो हैंड राइटिंग है, लिखावट है, वो कभी सही नहीं बन पाई। वो आचरण के बहुत अच्छे थे, अपने आचरण का बहुत ध्यान देते थे। और एक बार उनको गलती से शिक्षक से मार भी खानी पड़ी, इसका उनको बहुत ज़्यादा दुख था। ठीक है, ये लेसन है, इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, मैं आपको आंसर लिखवाऊंगी, क्वेश्चन मैं आपको बोल के बताऊंगी। ठीक है, कौन सी बात गांधी जी के मन में बैठ गई, कौन सी बात गांधी जी के मन में बैठ गई भी सभी को सत्यवादी हरिश्चंद्र की भांति होना चाहिए, ये बात उनके मन में बैठ गई। तो क का आंसर है, कौन सी बात गांधी जी के मन में बैठ गई, इसका आंसर लिखेंगे, सभी को सत्यवादी हरिश्चंद्र, सभी को हरिश्चंद्र की भांति सत्यवादी होना चाहिए। सत्यवादी यह बात उनके मन में बैठ गई। ख का आंसर है, ख। पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। बाइस्कोप में गांधी जी ने क्या देखा, बाइस्कोप में श्रवण कुमार का चित्र देखा, जो अपने अंधे माता पिता को बग्गी पर बिठाकर लेके जा रहा था। बाइस्कोप पर श्रवण कुमार का चित्र देखा, बाइस्कोप में गांधी जी ने क्या देखा, श्रवण कुमार का चित्र, इतना ही लिख लेंगे अपन। चित्र देखा, ठीक है। ख ग का आंसर है, उनका शरीर किस प्रकार स्वस्थ और मजबूत बना, किस प्रकार बना, खुली हवा में घूमने से उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत बना। ग का आंसर लिखेंगे, उत्तर ग का है, खुली हवा में घूमने से उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत बना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अक्षर बुरे होना किसकी निशानी है, अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। ठीक है, ग क्वेश्चन है, आंसर है इसका ग का, अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, अपूर्ण ठीक है। ये आपके फर्स्ट फोर क्वेश्चन है, कौन सी बात गांधी जी में बैठ गई, सभी को हरिश्चंद्र की भांति सत्यवादी होना चाहिए, ये बात बैठ गई। उन्होंने बाइस्कोप में श्रवण कुमार का चित्र देखा, और प्रातः उनका शरीर किस प्रकार स्वस्थ हुआ, खुले हवा में घूमने से उनका शरीर स्वस्थ हुआ। अक्षर बुरे होना किसकी निशानी है, अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, आंसर लिखूंगी, आपको नोट करने हैं। गांधी जी ने पिताजी की लाई हुई कौन सी पुस्तक पढ़ी, श्रवण की पितृ भक्ति नामक पुस्तक पढ़ी। क का आंसर है, श्रवण की पितृ भक्ति नामक पुस्तक पढ़ी।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, बाइस्कोप में गांधी जी ने कौन सा चित्र देखा जिस और उन उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा। बाइस्कोप पर गांधी जी ने कौन सा चित्र देखा और उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर में लिखेंगे ख का आंसर है बाइस्कोप पर गांधी जी ने अंधे माता पिता को बग्गी में बिठाकर चार धाम की यात्रा पर ले जाने वाला श्रवण कुमार का चित्र देखा। यह बात उनके मन में बैठ गई। ठीक है, एक बार और रीड कर देती हूँ ये क्वेश्चन। बाइस्कोप में गांधी जी ने कौन सा चित्र देखा, इसका क्या प्रभाव पड़ा। बाइस्कोप पर गांधी जी ने अंधे माता पिता को बग्गी में बिठाकर चार धाम की यात्रा पर ले जाने वाला श्रवण कुमार का चित्र देखा और यह बात उनके मन में बैठ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकालीन सैर का महात्मा गांधी पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, ठीक है, मजबूत हो गया। प्रातःकालीन सैर का महात्मा गांधी पर क्या असर हुआ। आंसर लिखेंगे ग का ग का आंसर है प्रातःकालीन सैर से उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत हो गया। प्रातःकालीन सैर से उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन के किस गलत विचार के कारण गांधी जी को बाद में पछताना पड़ा। अक्षर अच्छे होना आवश्यक नहीं है, ये गलत विचार उनके मन में आ गया, इस बात को उनको पछताना पड़ा। ग का आंसर लिखेंगे अक्षर अच्छे होना आवश्यक नहीं है। बचपन में किस गलत विचार के कारण गांधी जी को बाद में बचाना पड़ा। आंसर में लिखेंगे बचपन में गांधी जी को गांधी जी ने अक्षर अच्छे होना आवश्यक नहीं है, बचपन में गांधी जी ने अक्षर अच्छे होना आवश्यक नहीं है, यह बात समझी, यह बात
समझ, जिससे उनको पछतावा हुआ, जिससे उनको बाद में पछताना पड़ा। बचपन में किस गलत विचार के कारण गांधी जी को बाद में पछताना पड़ा? बचपन में गांधी जी ने अक्षर अच्छे होना आवश्यक नहीं है, ये बात उन्होंने मानी, जिसके कारण ये बात समझी, जिनके कारण उनको बाद में पछताना पड़ा, क्योंकि उनका लेख कभी सुलेख बन नहीं पाया। महात्मा गांधी जी को सबसे बड़ा दुख कब हुआ? जब उनको एक अध्यापक से, शिक्षक से दंड मिला, क्योंकि वो दंड के पात्र समझे गए। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं। महात्मा गांधी जी को सबसे अधिक दुख कब हुआ? आंसर, जब वे दंड का पात्र समझे गए, इस बात का उनको दुख हुआ। गांधी जी जब दंड का पात्र समझे गए, इस बात का उनको दुख हुआ, क्योंकि वो अपने आचरण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। उनको ये लगता था कभी मुझे दंड ना मिले या मैं दंड का पात्र ना समझाऊँ, इस चीज़ का उनको दुख था। लेकिन उनको बचपन में एक बार शिक्षक ने उनको दंड दिया, उनको दंड का पात्र समझा गया, तो वो उस कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। इस बात का उनको दुख हुआ, इस बात का उनको सबसे अधिक दुख हुआ। ठीक है, ठीक है, ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी को सबसे अधिक दुख कब हुआ? जब वो दंड का पात्र समझे गए। ठीक है, और आपके जो ओरल प्रश्न उत्तर हैं, जो बुक वर्क है, वो आपको रीड करवा देती हूँ। दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूजा पूरा कीजिए। डैश से उठाकर मैंने पुस्तक को पढ़ा, मेज से उठाकर मैंने पुस्तक को पढ़ा, जो यहाँ पे रिक्त स्थान है वहाँ पे मेज आएगा। ख है, इन बातों की मेरे मन में गहरी डैश छाप पड़ गई, गहरी डैश के ऊपर लिखे हुए छाप पड़ गई। खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है, लाभकारी होता है। बचपन में डैश विचार भी मेरे मन में था, बचपन में गलत विचार भी मेरे मन में था। अक्षर बुरे होना डैश शिक्षा की निशानी है, अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। ठीक है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। गांधी जी बचपन में कैसे स्वभाव के थे? संकोची, उदंड, आत्मविश्वासी, दिलेर, संकोची स्वभाव के थे। गांधी जी ने किसकी तरह बनने का निश्चय किया? पिता की तरह, श्रवण की तरह, पड़ोसी की तरह, पिता माँ की तरह। तो श्रवण की तरह आएगा यहाँ ब। गांधी जी को किसके सपने आने लग गए? हरिश्चंद्र के, बाइस्कोप के, श्रवण के, प्रधानाध्यापक के। गांधी जी को हरिश्चंद्र के, जो फर्स्ट नंबर है उस पर टिक का निशान लगाएंगे। सुलेख के लिए कौन सी कला सीखनी चाहिए? मूर्तिकला, भजन कला, चित्रकला, नृत्य कला। तो हम यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे चित्रकला है उस पर निशान लगाएंगे। ठीक है, ये आपका लेसन नंबर सेकंड है। जब मैं पढ़ता था, जो महात्मा गांधी ने अपनी बचपन की यादों को हमारे साथ साझा किया है, ये कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको ये लेसन अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।